कर्णपुर में हम जीतेंगे, कर्णपुर में हम जीतेंगे, कर्णपुर में हम जीतेंगे। दोस्तों, कर्णपुर विधानसभा में चलन लाग रही है आज वोटिंग। 5 जनवरी ने बठे विधानसभा जिका उपचुनाव होने लग रहा है, बिंगी वोटिंग आज जारी है। और इन वोटिंग के बीच में अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री हूँ, जद मीडिया सवाल करियो कर्णपुर विधानसभा पर वांगो के कहना है। चलो सुना दिया, फिर सुनियो वांगा के है बयान। कर्णपुर में हम जीतेंगे, बुरी उम्मीद है हम लोगों को। हालांकि इन्होंने जो जिस प्रकार से मंत्री बनाया उनको, ये मैं समझता हूँ किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता। कानून क्या कहता है क्या नहीं कहता है, आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाते हो। एक मंत्री को आप डाक बंगलों में सेक्रेटरी में ठहरने के लिए भी अलाउ नहीं करते हैं, गाड़ी अलाउ नहीं करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते ही सब विड्रॉ हो जाता मंत्री से भी, और आप उस व्यक्ति को एक जो उम्मीदवार है वो सीधा मंत्री पद की शपथ दिलाते हो। ये नैतिकता की मैं समझता हूँ दृष्टिकोण उचित नहीं कहा जा सकता। पब्लिक का इम्प्रेस कर रहे कि आपके उम्मीदवार को मंत्री पहले ही बना दिया है, ये बहुत उचित काम नहीं कहा, मतलब बहुत ही अनुचित काम इन्होंने किया है, ये मैं कह सकता हूँ। हो सकता है कि इसके कारण भी हमें और अधिक वोट मिलेंगे, हम ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। वैसे हमारी जो स्कीमें हैं, हमारी योजनाएं हैं, चुनाव तो हम लोग कामयाब नहीं हो पाए, कई कारण हो गए, ध्रुवीकरण कर दिए चुनाव को भी। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, 5 मुख्यमंत्रियों ने कन्हैयालाल को 5 लाख रुपए दिए, 50 लाख दे दिए मुसलमान को। इससे बड़ा झूठ तो मैं समझता हूँ इस साल का 2023 का कोई हो नहीं सकता। आप बड़े बड़े नेता के झूठ बोलने लग जाएंगे चुनाव जीतने के लिए, फिर देश में क्या होगा। तो ये तमाम बातें आपके सामने हैं, फिर भी हमने अपनी हार को विद ह्यूमिलिटी स्वीकार किया है। पर इनका जो फाउल खेलना था, जो ध्रुवीकरण करना था, हिंदू मुसलमान की बात करनी थी, सनातन धर्म की बात करनी थी, ये पूरा गुमराह करें देश को, पूरे देश को, और इसको देश को कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। अगर हम लोग नहीं समझे टाइम पर, और मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी होती है, वो पूरी तरह कामयाब नहीं है बल्कि असफल है इस देश का मीडिया, कुछ लोगों को छोड़ करके पूरी तरह आप समझ लीजिए फेल हो गया है। जिस प्रकार से वो सपोर्ट कर रहे हैं कामों को सही कहने की हिम्मत खत्म हो गई है, डर के मारे, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के मारे, या कुछ और समझ लीजिए, वो बड़ा विषय है। पर हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, ये मैं कह सकता हूँ।